का रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार। उस बुलेटिन में अब तक के तमाम अपडेट्स पर नजर डालेंगे। शुरुआत हरियाणा से करते हैं। तो हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की खट्टर सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। बिजली के मुद्दे को लेकर कहा कि सरकार निजी बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता पर नाजायज बोझ डाल रही है। प्रदेश में गेहूं पर वैल्यू कट लगाए जाने को लेकर कहा कि किसानों के साथ कहीं ना कहीं अब ज्यादती हो रही है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से वैल्यू कट का खर्च उठाने की कवायद की है। इसके साथ ही किसानों को 50,000 प्रति एकड़ तक मुआवजा, 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की भी कवायद की है। 47.5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की इन्होंने, यानी एक परिवार अगर 600 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे 300 रुपए अधिक भुगतान करना पड़ेगा महीने में। ये केवल जो है निजी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और जनता, आम जनता पर बोझ बढ़ेगा, जबकि हमारे कार्यकाल में 2.94 रुपए का हमारा एग्रीमेंट था अडानी से 25 साल तक उनको 2.94 रुपए देना था। अब वो तो उन्होंने दी नहीं, बाहर से इन्होंने खरीद करी कितने 10-10, 11-11 रुपए यूनिट प्रति यूनिट। बेमौसमी बारिश हुआ, किसान परेशान है, कोई समझो 17 लाख एकड़ के करीब जो अब तक जो इनके उसमें आई है खराबे की रिपोर्ट मिली है, जबकि गिरदावरी अभी 10% की हुई है कुल। गेहूँ की कटाई हो चुकी, कब गिरदावरी होगी, कब नुकसान आका जाएगा, ये समझ से बाहर बात है, क्योंकि इनके पास पटवारी पूरे नहीं है। पोर्टल पे चलते हैं, पोर्टल क्या बताएगा भाई। अब इसी प्रकार से जो खरीद के उसमें जो कल इन्होंने कहा कटौती 37 रुपए प्रति क्विंटल तक कटौती किसान पर डाल रहे हैं और आज भी खरीद शुरू नहीं हुई, जबकि ये कहा, इनको स्पष्ट स्टैंड होना चाहिए भाई, जो कटौती अगर करते हैं तो हरियाणा सरकार उसकी पूर्ति करेगी, ये नहीं है केंद्र की चिट्ठी आएगी उसकी इंतजार करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ। सीजन की जरूरत पर ये पोर्टल की कहा था, पोर्टल की जरूरत होती है जब पोर्टल बंद कर देते हैं। आम मंडी से शिकायत मिली कि पोर्टल बंद मिली है। अब जैसे लस्ट लॉस है या टूटा हुआ दाना है उसका खरीद तो जो अभी तो खरीद बंद है, जब पहले खरीद हुई वो जो वहाँ चला गया वहाँ से वापस कर देते हैं, तो सरकार को चाहिए जो खरीद होगी उसका भाव हम देंगे, बीच का गैप वो देंगे, हरियाणा सरकार को देना चाहिए, कंपनसेशन दे देगी विजय किसान को, और जो है दिक्कत में डाल रहे हैं और आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। फसल बीमा योजना है वो बिल्कुल विफल है, पहले तो घटती जा रही है, और जो कुल प्रीमियम लिया है मान लो 100 रुपए प्रीमियम आया कंपनी को।